प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रस्तुत करते हैं छोटी बचत बड़ी खुशहाली। राम राम काका। राम राम। आओ मैनेजर साहब। अब बैठो साहब। जानते हो ना, गांव में खाता खुलवाने का कैंप लगा है, तुम तो दिखे ही नहीं, खाता नहीं खुलवा रहे हो क्या? क्या खुलवाएं साहब, पैसे ही नहीं बचते, दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती है। अरे थोड़े तो बचते होंगे। अच्छा ये बताओ, पान बीड़ी गुटखा खाते हो कि नहीं? पान बीड़ी तो नहीं, हाँ गुटखा खा लेता हूँ। अच्छा दिन में कितने गुटखे खाते हो? बस यही कोई साहब 4-5। अरे साहब 4-5 नहीं, 8-10 खा जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गुटखा कितने का आता है? अब कितनी महंगाई है, गुटखे भी महंगे आते हैं। वैसे मैं तो 2 रुपए वाला खाता हूँ। मतलब रोज 10 रुपए गुटखों पर खर्च करते हो। अगर गुटखा खाना बंद करो तो रोज 10 रुपए बच सकते हैं। साहब कभी तो उससे ज्यादा खा जाते हैं। अब रोज के 10 तो महीने के हुए 300 और हर वर्ष में 3,600 रुपए बचा सकते हो कि नहीं? साल में 3,600 रुपए? और हाँ, बैंक में खाता खुलवाकर उसमें जमा करवाओगे तब बैंक ब्याज देगा, वो अलग से। इतने सारे पैसे और ऊपर से ब्याज, फिर तो हमारे पैसे कितने बढ़ जाएंगे। इतने में तो हम अपनी कमली के लिए सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। ये बताओ भैया, अगर थोड़े से पैसे की अचानक जरूरत आ गई या कोई बीमारी या कुछ, तब क्या करते हो? साहब थोड़े से पैसे तो बचा कर रखते हैं, और ज्यादा रुपए चाहिए तो महाजन से कर्ज भी ले लेते हैं। अच्छा कहाँ रखते हो? मैं तो कपड़े में गांठ बांधकर अनाज के डिब्बे में छिपा देती हूँ भैया। किसी मटके में या फिर कपड़ों की तह में? इसमें तो गुम हो जाने, चोरी हो जाने या चूहे द्वारा कुतर दिए जाने का भय रहता है। बात तो आपकी सही है, एक बार बरसात में गांव में पानी भर गया, तब घर की चीजों के साथ साथ मेरे सारे पैसे बह गए थे। अब बैंक में जमा कराए होते तो बच जाते और समय पर काम भी आते। पर साहब बैंक में भी तो पानी भर गया था। खाते का सारा हिसाब मुख्य कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है, इसीलिए आपके पैसे हमेशा सुरक्षित रहते हैं और आप कभी भी कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें खाता खुलवाने के और फायदे बताता हूँ। मनरेगा के भुगतान, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी आदि सरकारी लाभ भी बैंक में जमा होंगे, इसलिए भी खाता खुलवाना जरूरी है। तब तो सरकारी अनुदान मिलना सुरक्षित हो जाएगा। और हाँ, दूर के किसी अन्य गांव या शहर में रहने वाले रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी बैंक से आसानी से रुपए भेजे जा सकते हैं, जो उसी दिन उन्हें मिल जाते हैं और वो जब चाहे निकाल भी सकते हैं। तो अब बताओ, खाता खुलवाना जरूरी है ना? जरूर साहब, मेरा खाता कैसे खुलेगा? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड है? हाँ साहब है। बहुत अच्छा, फिर तो आपका खाता खोलना और भी आसान हो गया। और यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास नहीं है तो जगह जगह खाता खुलवाने के कैंप खुले हैं, वहाँ जाकर उन्हें खाता खुलवाने के लिए कहें। ठीक है। वैसे बैंक में खाता खोलने के लिए फोटो के साथ पहचान पत्र और पते का प्रमाण जरूरी होता है, जैसे राशन कार्ड, लाइट बिल, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक दस्तावेज की जरूरत होती है। ये सब तो हमारे पास है और आधार कार्ड भी है, तब तो हम कल ही खाता खुलवाने आ जाते हैं। और तुम गुटखा खाना बंद करोगे, कल से नहीं आज से ही, और फिर जाकर आज ही खाता भी खुलवा लोगे, कह देती हूँ। हाँ। अरे गोपाल भैया राम राम, कोई मेहमान आया है का? अरे किशन भैया आओ आओ, ये बैंक के साहब आए हैं, उन्होंने हमें खाता खुलवाने के फायदे बताए और अब हमारा खाता भी खुलवा देंगे, तुम भी खाता खुलवा लो भैया। साहब ये हमारे भैया हैं, पास के गांव में रहते हैं, पर उनके गांव में तो बैंक ही नहीं है, तो उनका खाता भी खुल सकेगा? क्यों नहीं भाई, उनका खाता भी खुल सकेगा। हमारा प्रतिनिधि जिसे बैंक मित्र कहते हैं, वो मशीन के साथ गांव में आएगा और खाता खोलकर वहीं सारा लेन देन करवाएगा, पैसा जमा भी करेगा और मशीन से प्रिंट करके रसीद भी दे देगा, और पैसा निकालना हो तो वो भी देगा। हाँ जरूर, बैंक मित्र जरूरत पर रुपए भी देगा,
साथ ही बैंक आपको रुपए कार्ड देगा जिसकी मदद से आप एटीएम से रुपए निकाल सकते हैं। और हाँ, रुपए कार्ड के साथ 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंट बीमा भी मुफ्त में दिया जाता है। बस मशीन पर अंगूठा रखवा कर पहचान करेगा और खाते में जमा पैसे में से निकाल कर पैसा दे देगा। ना भैया, ना अंगूठा मैं तो ना लगाऊं। अरे डरो मत, बैंक साहूकार की तरह अंगूठा थोड़े ही लगवाएगा। सभी के अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं, किसी के एक जैसे नहीं होते। मशीन अंगूठे के निशान से पहचान करती है कि खाता किसका है। और साहूकार की तरह हिसाब में भी कोई गोलमाल नहीं है ना साहब? अरे बिल्कुल नहीं, बैंक सारे लेन देन की रसीद देता है और खाते की पासबुक भी देता है जिसमें पैसा जमा करवाने और निकलवाने का रिकॉर्ड रहता है। और हाँ, आप खाते में नॉमिनेशन भी करवा सकते हैं और खाते में अपने बच्चों और पत्नी का नाम भी जोड़ सकते हैं। बाद में जरूरत के समय आपके खाते में पैसा ना हो तब भी बैंक आपको उधार दे सकता है। इस सुविधा से अब आपको साहूकार के पास कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अरे साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अब और एक फायदा बताता हूँ खाता खुलवाने का। बैंक 6 माह देखेगा कि आप खाते को नियमित चला रहे हैं तो बैंक से और भी सुविधाएं, लोन आदि मिल सकते हैं। इस पर उधार पर बैंक ब्याज तो लेगा ना? ब्याज तो लगेगा पर बहुत कम दर पर। अरे भैया, मैंने तो सुना है बैंक साहूकार से ज्यादा ब्याज लेता है, क्या सही है साहब? अरे ये तो आपको भरलाने के लिए किसी ने कहा होगा। देखो, बैंक 12% ब्याज लेता है जो 1 साल के लिए होता है, मतलब महीने का 1% हुआ। अब साहूकार तो साथ में जमीन भी गिरवी रख लेता है और ब्याज भी लगभग 5% महीने का लेता है। सोचो बैंक से कितना ज्यादा हुआ। अरे बाप रे। और सुनो, बैंक बच्चों की पढ़ाई के लिए तथा मकान बनाने या खरीदने के लिए लोन भी देता है। तब तो मेरी कमली बेटी के लिए सिलाई मशीन में पैसे कम पड़े तो बैंक से लोन मिल सकता है ना? हाँ, पर कमली को खूब पढ़ाना जरूर, इसके लिए बैंक आपको मदद करेगा। और फिर किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड आदि सुविधाएं भी है। भैया, ये कार्ड काहे के लिए है और इससे हम क्या कर सकते हैं? ये कार्ड बहुत काम की चीज है। आस पास के शहर में खरीदारी करने जाते हो तो जेब में पैसा सुरक्षित नहीं रहता, कभी गिर जाए, जेब कट जाए तो कितनी परेशानी होती है। हाँ साहब, हमेशा डर बना रहता है पैसे खो जाने का। अब कार्ड से आप एटीएम मशीन से खुद ही पैसे भी निकाल सकते हैं। साहब, हम वो एटीएम मशीन कैसे चलाएंगे, हमें तो आता ही नहीं। अरे ये तो बहुत आसान है, कार्ड के साथ हमें एक पिन नंबर मिलता है जिसकी मदद से हमें 4 अंकों का एक अपना गुप्त नंबर बना लेना है और उसको हमेशा याद रखना है। इस नंबर को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। साहब फिर? फिर मशीन में कार्ड डालने पर वो नंबर पूछेगी, तो वो नंबर दबाकर नंबर डालना है। वो नंबर सही होने पर ही मशीन काम करेगी और उसमें कुछ विकल्प पूछे जाएंगे, जैसे बैलेंस जानना, पैसे निकालना, अपना पिन नंबर बदलना वगैरह वगैरह। फिर अगर पैसे निकालना हो तो जितने रुपए निकालने हैं वो नंबर वाले बटन दबाकर बताना है, बस फिर अपने आप उतने रुपए निकल आएंगे। और साथ में छोटी सी पर्ची भी निकलेगी कि अब आपके खाते में कितने रुपए बचे हैं। अरे ये तो कितना अच्छा है, ये कार्ड तो बड़े काम की चीज है। एटीएम में तो यूनिवर्सल एक्सेस होता है, मतलब आप कहीं भी जाए तो उस शहर या गांव में भी पैसे निकाल सकते हैं। अगर बैंक मित्र नहीं आता है तो आप हाट जाकर या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, कार्ड से आप दुकानों में जाकर सीधे खरीदारी कर सकते हो और उतनी रकम आपके खाते से अपने आप कट जाती है और दुकानदार आपको माल दे देता है। अरे वाह, बिना पैसे के खरीदारी, ये तो बहुत अच्छा। अरे साहब, यहाँ मंडी में हमें गंदे और पुराने फटे हुए नोट मिलते हैं, फिर शहर के दुकानदार हमसे वो लेने के लिए तैयार नहीं होते, हमें बट्टे वालों से आधे पैसे में बदलवाना पड़ता है और छुट्टे पैसे की भी मगजमारी होती है। ऐसी बात है तो सुनो, बैंक में आपके पुराने कटे फटे नोटों को बदलने की सुविधा भी है और सिक्कों का वितरण भी होता है। अच्छा, लो हम तो इसके मारे कितने परेशान होते रहे। सच बात तो यह है कि अब आपके कई काम बैंक में जाए बिना भी हो सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? हाँ साहब, मेरे पास है। अब इस मोबाइल से भी आपके कई काम बिना बैंक में जाए हो सकते हैं। इसे USSD सुविधा कहते हैं
एक बार आपको अपना मोबाइल नंबर या तो एटीएम मशीन से अथवा शाखा में जाकर एक फॉर्म भरकर अपने खाते से जोड़ना होगा। फिर जिस प्रकार आप एसएमएस भेजते हैं, वैसे ही संदेश भेजकर अपने खाते का बैलेंस जान सकते हो, खाते का छोटा विवरण मंगवा सकते हो और अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी और के खाते में पैसा भी जमा करा सकते हो। इससे तो हमें अच्छी सुविधा मिल जाएगी, पर हमारे पास तो महंगा और अच्छा वाला मोबाइल ही नहीं है। अरे ये काम तो सभी मोबाइल से हो सकता है। पर साहब इसमें कोई खतरा तो नहीं, हमारे पैसे चले जाए या किसी और को पता चल जाए? अरे ये बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता की कोई बात नहीं। बैंक आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रयास करता है। एक और उदाहरण दूं, बैंक ने कई जगह ग्राम सलाह केंद्र भी खोले हैं। वो किस लिए साहब? वो इसलिए कि किसानों को अच्छे बीज, खाद, दवाइयाँ और नए तकनीकों, सिंचाई वगैरह के लिए जानकारी दी जा सके, मंडी और बाजार संबंधी सलाह दे सके। उसके लिए क्या पैसा देना होगा? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल मुफ्त होगा। अरे वाह, क्या कहने, बैंक हमारे लिए कितना कुछ करता है। तो तुम भी बैंक की मदद कर सकते हो, अपने साथियों को भी ये जानकारी दो और अपने साथ उन्हें भी हर घर में कम से कम एक खाता खुलवाने के लिए कहो। जरूर साहब, हम अपने गांव के सभी लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे और उनको खाता खोलने के लिए समझाएंगे। अच्छा चलता हूँ, बैंक में जरूर आना। हाँ साहब, ये तो हमारे भले के लिए है, तो हम तो जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार साहब, आपने हमें अच्छी जानकारी दी। हाँ, अब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे खेत हरे भरे होंगे, बच्चे खूब पढ़ेंगे और हम अपने सारे काम अच्छी तरह से पूरे कर पाएंगे। हाँ ऐसा ही होगा, चलता हूँ, राम राम। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता, भाग्य विधाता।